हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंजलि। मैं हूं डॉक्टर विनय। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के बारे में। उसके सिम्टम्स क्या हैं, हाई रिस्क पे कौन है और प्रिकॉशन हम क्या लें। ब्लैक फंगस इन्वायरमेंट में पहले से ही पाया जाता था, ऐसा नहीं कि नया कुछ आ गया है। ब्लैक फंगस नॉर्मली सॉयल में या फिर कोई पत्तियां जैसे सड़ती हैं गार्डन्स वगैरह में या फिर घरों में ब्रेड वगैरह या फिर जो प्याज होती है देखे होंगे उसमें ब्लैक कलर का दिखता होगा छिलका हटाने। और ये जो आपकी फ्रिज है कभी लंबे समय से यूज नहीं हो रही हो तो ये नमी वाली चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, पहले ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती थी, उन्हीं लोगों को होती जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती थी, जैसे कैंसर पेशेंट या फिर जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं या फिर जो है एड्स वाले पेशेंट में, इनमें ये देखने को मिलता था। अब इसका इंसिडेंस बढ़ गया है। इसका इंसिडेंस बढ़ने का रीज़न है कि एक कोविड जो आई है बीमारी, इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है। और कोविड पेशेंट में हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंटीबायोटिक स्टेरॉयड खासतौर पर जो है हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है, तो रिस्क बढ़ जाता है। और एक डायबिटीज शुगर इसके लिए फर्टाइल मीडियम की तरह काम करता है। अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है और उसमें स्टेरॉयड दिया जा रहा था और हाई आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो उसमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। नाक का बंद होना, नाक से खून निकलना, नाक में क्रस्ट बनना, नाक से काले जैसा कुछ निकलना, चेहरे में सूजन, चेहरे में झनझनाहट महसूस होना या चेहरे का सुन्न होना या फिर दांतों का हिलना, सर दर्द होना, आंख लाल होना, आंखों के पास सूजन, आंख खोलने में दर्द होना या फिर आंख दिखाई कम देना, धुंधला दिखाई देना। इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होगा तो जल्दी से जल्दी शुरुआती स्टेज में अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज इसको जो है जितना लेट होगा उतना पुअर प्रोग्नोसिस है। फिर बाद में उस पार्ट को काट करके सर्जरी द्वारा निकालना भी पड़ता है, जैसे आईज में इन्वॉल्व हो गया, नेजल साइनस को इन्वॉल्व होगा तो उसको पूरा सर्जरी द्वारा रिमूव करना पड़ता है, जो कि अगर ब्रेन तक चला गया तो पूरा लीथल ही है, मतलब डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसको अर्ली स्टेज में इसका पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम है और हाई रिस्क पेशेंट आप हैं तो आपको तुरंत ENT के डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ENT के डॉक्टर से मिलना है, वो उसका नेजल स्वैप ले सकते हैं, उससे KVH माउंट करके उसमें फंगल ग्रोथ और अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर ये हमारे नेजल साइनस को इन्वॉल्व किया हुआ है तो उसमें हम सीटी पैरानेजल साइनस कराते हैं और ऑर्बिटल और ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट के लिए MRI कराने की जरूरत पड़ती है। इसके ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन B देते हैं जो कि अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं ले, इसका होम ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है, ENT डॉक्टर से मिलना है, अपने डॉक्टर से बात करिए और उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जितना अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना अच्छा प्रोग्नोसिस रहेगा। अब बात करते हैं क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने की जरूरत है। हमें अपना ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करके रखना है और सॉइल के कांटेक्ट में जो पेशेंट रिकवर किए हैं अभी कोविड से उन्हें सॉइल के कांटेक्ट में अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है। या जैसे आप गार्डनिंग वगैरह करते हो तो आप ग्लव्स लगा के करो या फिर अवॉइड करो। अभी एक दो महीना आप गार्डनिंग अवॉइड करो या फिर पार्क में जाके टहलते हो तो आप बिल्कुल मत जाओ। आप अपने छत पे टेरेस पे टहल सकते हैं, आप जितना हो सकता है उतना ये सब सॉइल या फिर कोई भी मॉइस्ट या डिकम्पोज चीज़ें हैं उनके कॉन्टेक्ट उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आए। दूसरी और नेक्स्ट बात यह है कि जो स्टेरॉयड वगैरह अपने आप से कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए मत लीजिए, डॉक्टर्स के एडवाइस पे ही वो लेना है, अपने से स्टेरॉयड नहीं शुरू करना है। और नेक्स्ट चीज़ कि आप जो है अगर आपको ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उसका जो ह्यूमिडिफायर में जो वाटर फिल किया जाता है उस वाटर को हमेशा चेंज करना है, उसमें स्टेराइल वाटर डालना है और क्लीन वाटर डालना है, और जो ऑक्सीजन मास्क है उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना है। या आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इसके बारे में कि नहीं सर इसको चेंज करा दें, काफ़ी दिनों से है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इसके फंगस को ग्रो करने के लिए और उसका स्पोर्स हमारे नोज या नॉस्टिल के जरिए ही जाता है, तो वो सब हमें एक तरह से सोर्स है उसका इन्फेक्शन का, इसको हमें दूर करना है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना ब्लड शुगर लेवल हमेशा चेक करते रहें, उसको कंट्रोल करें, अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ तो अपने डॉक्टर से बात करके दवा चेंज करके उसको शुगर को कंट्रोल करें। और हैंड को हमेशा जो है हाथ को धुलते रहें, बेवजह नॉस्ट्रिल को नहीं टच करना है विदाउट हैंड वॉश किए हुए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. थैंक यू.